हरे कृष्णा। जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल जी को दो प्रसाद मुख्य तौर से भोग में लगाया जाता है, तो वो है पंचामृत और साथ में धनिया की पंजीरी। लड्डू गोपाल को ये दो प्रसाद ज़रूर भोग लगाए जाते हैं, तो इन दोनों प्रसाद को बनाने का बिल्कुल सही और ऑथेंटिक तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम बनाते हैं पंचामृत। इसके लिए हमने तुलसी दल लिया है। बिना तुलसी के तो भगवान विष्णु जी कान्हा जी को भोग लगता ही नहीं है। तुलसी दल लिया है, गाय का घी, थोड़ा सा चीनी का बूरा, शहद और गंगा जल। इन पांच चीज़ों की हमें विशेष तौर से आवश्यकता होती है। इसके साथ हम एक कटोरी या बोल लेंगे जिसमें कि हम गाय के दूध का दही यूज़ करेंगे। तो गाय के दूध का हमने ताज़ा दही ले लिया है। जितना हम दही लेंगे उससे हम आधा गाय का कच्चा दूध लेंगे। बिना उबला हुआ दूध यूज़ करना है। इसमें हम गंगा जल डाल देंगे, थोड़ा सा शहद डाल देंगे, चीनी का बूरा, अगर आपके पास नहीं है तो चीनी को आप पीस लीजिए और स्वाद अनुसार डाल दीजिए। देसी घी गाय का यूज़ करेंगे, वो बहुत ज़रा सा डालते हैं। और ड्राई फ्रूट्स आपके पास जो भी हो वो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं इसमें काजू, बादाम, किशमिश, नारियल का बूरा और थोड़े से मखाने डाल दे रही हूँ। तो इन सारे चीज़ों को हमने इसमें डाल दिया है। तो इस तरह से मैंने पांच तरह के ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जो कि मैंने डाल दिए हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो पंचामृत हमारा यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है। बस इसमें आपको एक दो बात का विशेष ध्यान रखना है। दूध, दही और घी, तीनों चीज़ हमें गाय की यूज़ करनी है और जो हम दूध यूज़ करेंगे वो कच्चा यूज़ करेंगे। तो पंचामृत बन गया है। अब हम इसमें तुलसी दल रख देते हैं, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु जी को भोग नहीं लगाया जाता। तो हमने यहाँ पे तुलसी दल के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं और एक तुलसी दल से हमने इसको सजा दिया है। तो यहाँ पे हमारा लड्डू गोपाल के लिए पंचामृत का भोग बनके तैयार हो चुका है। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आप लोग इस बार जन्माष्टमी पे इसी तरह से पंचामृत बनाइए और अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाइए। तो चलिए अब हम बनाते हैं धनिया की पंजीरी, क्योंकि जन्माष्टमी पे धनिया की पंजीरी का भोग लगता है। एक पैन को हमने गैस पे रख दिया है। इसमें हम गाय का घी डाल रहे हैं 2 चम्मच, और इसमें अब हम मखाने को पहले घी के साथ थोड़ा सा भून लेंगे। तो पंजीरी बनाने के लिए पहले हम मखाना और ड्राई फ्रूट्स को देसी घी में भून लेंगे, इससे स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है। तो मीडियम फ्लेम पे मखाने को 2 से 3 मिनट हम देसी घी में भून लेते हैं। मखाना 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छे से भून के तैयार हो जाता है। यहाँ पे मखाना अच्छे से भून गया है घी में, इसको हम दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी के साथ अब हम सेम उसी पैन में थोड़ा सा घी डालेंगे, और यहाँ पे मैंने काजू, बादाम और किशमिश लिया है थोड़ा थोड़ा, जिसको कि मैंने पानी से एक दो बार धो लिया जिससे कि ये साफ़ हो जाए। और अब हम इसको भी घी में हल्का सा भून लेंगे। पानी से धोया था तो इसीलिए इसमें थोड़ा पानी लगा हुआ था, तो जो ये धुआं धुआं सा उठ रहा है ये इसीलिए है। तो यहाँ पे अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इन ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा घी में भून लेंगे एक से दो मिनट के लिए। इससे क्या होगा ना कि जब घी में हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स को भून लेते हैं ना, तो स्वाद बहुत अच्छा आता है और एक हल्का सा क्रंच आ जाता है, तो पंजीरी खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए बादाम, काजू और किशमिश को मैंने भून लिया है। तो अब मखाने वाली प्लेट में हम इन ड्राई फ्रूट्स को भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया है ड्राई फ्रूट्स को। अब हम इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, थोड़ा सा हम इनको काट लेंगे। तो इसको रखते हैं साइड में। सेम इसी पैन में हम लगभग आधा कटोरी के करीब गाय का घी डाल देते हैं। ठीक है, घी अभी गर्म है, देखिए बस गरम गरम घी में हम एक कटोरी धनिया जो हमने पीसी थी वो डालेंगे। लेकिन गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा, अगर लो नहीं रहेगी ना तो धनिया जल जाएगी। ठीक है, इसी में हमने नारियल था गोला, जिसको कि ग्रेट कर लिया है, वो डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे कि गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। घी इतना तेज गर्म है, पैन गर्म है, तो धनिया और नारियल का जो बुरादा है, घिसा हुआ नारियल है, वो अच्छे से भुन जाएगा इतनी गर्माहट में। 1 से 1.5 मिनट हम बस इसको इस तरह से लगातार चलाते हुए, अल्टा पलटी करते हुए गरम गरम घी में इसको अच्छे से भून लेंगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि धनिया आपकी जलनी नहीं चाहिए, नहीं तो स्वाद खराब हो जाएगा। हमने गरम गरम घी में धनिया डाल दी थी, नारियल डाल दिया था, और उसके बाद गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया।
बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी एक दो बातें हैं जिसका आप ध्यान रखेंगे ना तो आपका प्रसाद आपका भोग बहुत बढ़िया बनेगा। और जब हम प्रसाद और भोग बनाते हैं ना तो मन में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये तैयार हो चुका है। इसको ठंडा करने के बाद जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी धनिया, तब हम इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हमने देसी घी में फ्राई किए थे उसको काट लिया है और अब हम ये भी डाल देंगे धनिया में। तो ये देखिए ड्राई फ्रूट्स को हमने थोड़ा मोटा मोटा ही काटा है, डाल दिया है। यहाँ पे धनिया बिल्कुल ठंडी हो गई है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी तभी हम इसमें ड्राई फ्रूट्स जो फ्राई किए थे वो हम डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स को भी हमने धनिया भुनी हुई धनिया में अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे शक्कर पिसी हुई। तो जब धनिया बिल्कुल ठंडी हो जाएगी ना तभी हम इसमें पिसी हुई शक्कर डालेंगे। अगर गरम गरम में डाल देंगे तो शक्कर मेल्ट हो जाएगी, पंजीरी आपकी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर हमने शक्कर को भी मिक्स कर दिया है। तो ये लीजिए हमारा यहाँ पर धनिया की पंजीरी वाला प्रसाद यानी कि कान्हा जी का भोग बन के तैयार हो चुका है। लेकिन अभी ये अधूरा है, वो हम आपको आगे बताएंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये लीजिए तुलसी दल के साथ हमारा धनिया की पंजीरी का जो प्रसाद है वो संपूर्ण हुआ। बिना तुलसी दल के कान्हा जी के लिए कोई भी प्रसाद आप चढ़ाइए वो अधूरा होता है। तो यहाँ पे हमारी धनिया की पंजीरी वाला प्रसाद यानी कि भोग बनके तैयार हो चुका है। तो देर किस बात की, इस जन्माष्टमी पे जल्दी से आप लोग धनिया की पंजीरी और पंचामृत का भोग तैयार करें और अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे प्यारे से यूट्यूब परिवार का आप सदस्य बनिए। और हाँ, आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए मेरे हर वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि जो लोग कमेंट करेंगे वो हमारे गिव अवे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका लकी ड्रॉ से नाम निकलेगा। तो चलिए हम फिर मिलेंगे, बाय बाय एंड टेक केयर, हरे कृष्ण।